डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू मैथ एक्सरसाइज 4.4, आज का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए बी सी डी। इस डिटरमिनेंट के माइनर निकालने, माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। तो इन सभी एलिमेंट के हमने माइनर निकालने, तो ये एलिमेंट कौन सा, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। तो एम वन वन निकालना है, एम वन टू कैलकुलेट करना है, एम टू वन कैलकुलेट करना है और एम टू टू। तो टू बाई टू में तो अपने सिंपल है, इसमें क्या है, वन वन, वन वन ये एलिमेंट है, इसी का कॉलम छोड़ देंगे, इसी की रो छोड़ देंगे, तो बाकी जो बच गया डी। वन टू ये है, इन दोनों को छुपा लेंगे तो क्या बच गया सी। एम टू वन ये है तो क्या बच गया डी। और एम टू टू ये है, इसको छुपा लेंगे तो क्या बचेगा ए। तो इस प्रकार से हम माइनर कैलकुलेटर करेंगे। जब माइनर तो हो गया अपना, अब कोफैक्टर करनी है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। तरीका सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम इनका सम देखेंगे, वन और वन टू, वन और टू थ्री, टू और वन थ्री, टू और टू फोर। हमें सम से मतलब नहीं, हमें सम का मतलब है इवन है या ओड है। जहां पे सम ओड बनेगा वहां पे माइनस पहले ऑलरेडी लगा देंगे। तो यहाँ पे थ्री बन रहा है सम, तो माइनस, यहाँ पे बन रहा है माइनस, बाकी ये एज इट इज। मीन्स उसी प्रकार से मेथड, ए वन वन देखेंगे तो डी हो गया, ए वन टू देखेंगे तो सी हो गया, यानी माइनस का सी आ जाएगा, टू वन देखेंगे तो बी आएगा, माइनस का बी हो गया, और टू टू ये है तो ए आ जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है, कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ डिफरेंस क्या है, जहां पे इनका सम ओड है वहां पे हम बाहर क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट सम है 10435 माइनस 1012, इन्हीं का भी माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो क्या कोफैक्टर निकाल देते हैं, माइनर में क्या आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे सम कितना हो रहा है टू, यहाँ पे सम कितना हो रहा है थ्री, तो ऑलरेडी माइनस। यहाँ पे फोर हो रहा नहीं आएगा, यहाँ पे थ्री हो रहा तो माइनस, यहाँ पे फोर है नहीं आएगा, यहाँ पे फाइव है ओड आएगा तो माइनस। थ्री वन, थ्री और वन फोर, इवन है नहीं आएगा, थ्री और टू फाइव ओड आएगा, आएगा इसमें नहीं आएगा। अब इसमें कैसे करना है, ए वन वन ये वाला है, यही रो यही कॉलम हम छोड़ देंगे तो ये बच गया हमारा फाइव माइनस वन, वन और टू। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की, तो फाइव इंटू में टू, माइनस में वन इंटू में माइनस का वन, ये आ गया। उसके बाद वन टू जीरो है, तो ये कॉलम छोड़ेंगे और यही रो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, थ्री माइनस वन जीरो और टू, तो थ्री इंटू में टू और माइनस में जीरो इंटू में माइनस का वन। वन थ्री ये फोर हो गया, वन थ्री, तो यहां से इसको छोड़ेंगे तो ये बच गए, तो थ्री की वन के साथ और जीरो की फाइव के साथ। उसके बाद टू वन, टू वन ये है, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो जीरो टू और वन फोर, ये हो गया। उसके बाद टू टू, टू टू वाला एलिमेंट फाइव है, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो वन टू और जीरो फोर। टू थ्री ये है वन, तो ये छोड़ देंगे, वन इंटू वन जीरो इंटू जीरो। उसके थ्री वन ये जीरो है, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो जीरो माइनस वन इंटू में सॉरी माइनस फाइव फोर। थ्री टू ये है, थ्री टू ये भी छोड़ देंगे साथ में, वन माइनस वन माइनस में थ्री फोर। ये थ्री थ्री, थ्री थ्री वाला टू हो गया, तो वन फाइव और थ्री जीरो, ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये टेन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो टेन प्लस में वन इलेवन आ गया। यहाँ पे ये जीरो हो गया, प्लस का सिक्स है, बार माइनस है तो माइनस का सिक्स, थ्री माइनस जीरो थ्री हो गया। टू वन ये जीरो, माइनस का फोर
माइनस बाहर पड़ा है तो प्लस का 4, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1 बाहर माइनस है, 0 माइनस 20 माइनस 20, माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13 और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो 13 प्लस का आ गया, 5 माइनस 0 5। तो ये आ गए हमारे को फैक्टर। अगर माइनर निकालना है तो सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे, को फैक्टर में माइनस आता है। तो अगर इससे हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो क्या होगी, को फैक्टर मैट्रिक्स। अगर को फैक्टर मैट्रिक्स हमने बनानी है तो वो क्या होगी, एलिमेंट लिख देंगे हम, 1-1 वाला 11, 1-2 वाला -6, ये 3, यहाँ पे ये 4, 2 -1 -20 13 और 5। यानी कोफैक्टर एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। थर्ड सम है, ये डिटरमिनेंट दे दिया 5 3 8 2 0 1 1 2 3। कैलकुलेट करना हमने डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो, इसके सेकंड रो के। तो सेकंड रो के कोफैक्टर क्या होंगे, अगर हम कैलकुलेट करें कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो ये वाली है, कोफैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, ए से। तो हम क्या कैलकुलेट करना, a21 a22 और a23, मींस कोफैक्टर ऑफ 21, कोफैक्टर ऑफ 22, कोफैक्टर ऑफ 23। और डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, इन एलिमेंट को इन्हीं के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट, वो क्या आएगा, यहाँ पे a21 एलिमेंट यानी 2 इंटू में जो कोफैक्टर आएगा a21 प्लस में एलिमेंट a22 इंटू में इसी का कोफैक्टर a22 और a23। तो यहाँ पे एलिमेंट a23 इंटू में कोफैक्टर ऑफ 23। जिस भी रो का जिस भी कॉलम का पूछे तो उसी का हमने कोफैक्टर निकालना है और उन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा। थैंक यू।